इस फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा संगीतकार मिला जो 50 साल से धमाल मचा रहा है। महमूद ने ये फिल्म पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार पर आई एक मुसीबत को ध्यान में रखकर बनाई थी। मैं रोजाना अगरबत्ती और दिया जला को तुम्हारे को मस्का लगाता हूं। इस फिल्म की ज्यादातर घटनाएं महमूद के निजी जीवन में घटी हुई थी। गाड़ी मेरी रिक्शा सबसे निराली। इसमें महमूद और उसके परिवार की तीन पीढ़ियों ने एक साथ काम किया था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महमूद की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुंवारा बाप की। चौहत्तर में दिवाली के 2 सप्ताह बाद रिलीज हुई कुंवारा बाप चार्ली चैपलिन की 1921 में आई फिल्म द किट पर आधारित थी, जहां पर एक आदमी अचानक मिले एक अनाथ बच्चे को गोद लेता है। हालांकि इसमें कई वाकिये महमूद की अपनी जिंदगी से जुड़े थे। जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु, ये तेरा मन्नत नसीब वाला होए। फिल्म कुंवारा बाप का ये गाना आज भी हिट है। गाने में मस्ती के साथ नाचते गाते महमूद के साथ उनकी तीन पीढ़ियां हैं और साथ में कुछ किन्नर। इसमें दादा, पिता और बच्चे एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। सज रही गली मेरी माँ, सुनहरी गोठे में। इसमें उन्होंने एक गरीब रिक्शे वाले का रोल किया था। पोलियो से ग्रस्त उनके 15 साल के बेटे का रोल मैकी ने किया था। मैकी यानी मखदूम अली, जो महमूद के तीसरे नंबर के बेटे थे, उन्हें पोलियो हो गया था। महमूद विदेश ले गए, बहुत इलाज करवाया, लेकिन मैकी वैसे ही रहे। फिल्म में उन्होंने इसी कहानी को अपने अंदाज में दिखाया। वो दिखाना चाहते थे कि उनके जैसा अमीर आदमी इतने पैसे लगाकर भी अपने बेटे का इलाज नहीं करा पा रहा है, तो उस गरीब बाप का क्या हाल होता होगा जिसके पास पैसे भी नहीं है। गाने में एक खास सीक्वेंस दिखाई देता है जिसमें महमूद की एक फ्रेम के भीतर एक फ्रेम दिखाई देती है। जब महमूद कहानी सुना रहे होते हैं कि उन्हें बच्चा कैसे मिला, छोटे फ्रेम में पूरी कहानी चलती रहती है। सज रही गली मेरी माँ, सुनहरी गोठे में। मस्त नाच रहे इन बुजुर्ग को आज की पीढ़ी भी जानती नहीं होगी, लेकिन ये महमूद के पिता मुमताज अली हैं। जैसे महमूद कॉमेडी की दुनिया के स्टार बने, वैसे ही मुमताज अली भी डांसिंग की दुनिया के किंग थे। वो इतने लोकप्रिय थे कि आजादी से पहले उनका डांसिंग बैंड द मुमताज अली नाइट्स पूरे देश में फेमस था। लेकिन शराब पीने की लत ने ना उनको कहीं का छोड़ा और उनके बच्चों को। रही गली मेरी अम्मा, सुनहरी गोठे। इस लिहाज से महमूद के खानदान का बॉलीवुड से उतना ही पुराना नाता है जितना कपूर, भट्ट या मंगेशकर परिवार का। उनके पिता मुमताज अली 1940 में ही फिल्मी दुनिया में आ गए थे, लेकिन उनकी शराबखोरी की वजह से उनके परिवार को इसका फायदा नहीं मिल पाया, बल्कि वो लोग दर बदर की ठोकरें खाते फिरे। बापू, 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 देखो। बाप की बेरुखी और गरीबी के कारण महमूद को बहुत संघर्ष करना पड़ा। बचपन से अंडा बेचने से लेकर ड्राइवरी तक का सफर करते हुए महमूद फिल्मों में आ गए। यहां उनकी कमाल की टाइमिंग और हाजिर जवाबी से वो जल्द ही नंबर 1 कॉमेडियन बन गए और इतने बड़े स्टार बने कि फिल्म में उन्हें हीरो से ज्यादा फीस मिलने लगी। अरे कोई है क्या गरीबों की सुनने वाला? उनके पास पैसा तो खूब आया, लेकिन परिवार में तकलीफें बनी रही। अपनी लोकप्रियता के इसी दौर में महमूद ने निर्माता बनकर ये फिल्म प्रोड्यूस करने का फैसला किया। कुंवारा बाप टाइटल वाली फिल्म में महमूद खुद हीरो थे, जबकि इसमें लकवाग्रस्त बच्चे की भूमिका महमूद के बेटे मैकी अली ने निभाई थी। दरअसल मैकी के जन्म के तुरंत बाद माँ मधु कुमारी और बेटा बीमार हो गए। मैकी को पोलियो हो गया था, लेकिन तब बीमारी क्यों होती है ये किसी को पता नहीं था। महमूद के पास अपार धन था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा था कि बच्चे को क्या हुआ है।
उनके परिवार को इस बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ये ऐसी लाइलाज बीमारी थी जो लाखों रुपए खर्च करने की हैसियत के बावजूद ठीक नहीं हो सकती थी। उन दिनों पोलियो का टीका भी नहीं आया था। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा डॉक्टर साहब, लेकिन इतना बड़ा जुल्म मेरे भगवान ने यह बच्चे पे क्यों किया? किताब महमूद अ मैन ऑफ मैनी मूड्स लेखक हनीफ जावेदी ने लिखा है कि जब महमूद से पूछा गया कि उनके बेटे के साथ क्या गलत हुआ तो डॉक्टर ने उन्हें जिस तरह डांटा उसको हूबहू उन्होंने अपनी फिल्म में डाला। इसमें डॉक्टर का रोल उनके दोस्त संजीव कुमार ने किया। महमूद अपने मासूम बेटे के साथ हुई इस अनहोनी से टूट गए। उन्होंने अपने अनुभव और अपने बेटे की मजबूरी देखते हुए पोलियो को लेकर खूब जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम किए, ये फिल्म भी बनाई और इसके साथ अस्पताल और पोलियो के मरीज के लिए खूब दान दिया। आज मेरा बच्चा हल्लू हल्लू चल रहा है, बड़ा होकर इसको फास्ट फास्ट चलाना। उनके सब हीरो से बहुत अच्छे संबंध थे, वो तब बॉलीवुड के भाईजान थे, इसलिए जब फिल्म में उन्होंने संजीव कुमार, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, दारा सिंह, ललिता पवार, योगिता बाली और मुकरी जैसे सितारों का मेला लगा दिया। किस्मत चमकी संगीतकार राजेश रोशन की। महमूद साहब ने राजेश रोशन को पहला मौका दिया था। महमूद इस गाने के लिए धुन की तलाश में थे तब किसी ने राजेश रोशन का नाम बताया। इसके बाद महमूद ने उन्हें बुलाया और धुन बनाने को कहा। राजेश रोशन ने ऐसी धुन बनाई कि उसे सुनते ही महमूद ने उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद राजेश रोशन का संगीत का सफर शुरू हो गया। तब दिवाली, दशहरे और छुट्टियों के दिनों में फिल्म रिलीज करने का चलन था ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को थिएटर तक लाया जा सके। लेकिन महमूद ने यह फिल्म दिवाली के 2 हफ्ते बाद रिलीज की थी। आमतौर पर कामकाज के दिन थे लेकिन इस फिल्म का सब्जेक्ट, महमूद की एक्टिंग, दिल छू लेने वाली कहानी और बेहतरीन ट्रीटमेंट के चलते ये फिल्म सुपरहिट हो गई। कुंवारा बाप के गाने गली में गूंजने लगे। तब के मैटिनी शो या सुबह के शो स्लॉट में कुंवारा बाप ने धूम मचा दी थी, जहां स्कूलों से बच्चे बसों में भरकर फिल्म देखने आए। ये फिल्म इतनी हिट हुई कि साल 1974 में महमूद को वरदान और दुनिया का मेला के अलावा कुंवारा बाप फिल्म में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कारों में 3 बार नामांकित किया गया, जिसमें उन्हें वरदान के लिए फिल्म फेयर दिया गया। कि मैं मेरे आधा पावा ये बच्चे को दे डालूंगा, मैं मेरी सारी जिंदगी ये बच्चे को दे डालूंगा। महमूद इस फिल्म के लिए इतने समर्पित थे कि उन्होंने फिल्म बनाने के किसी कायदे की कोई परवाह नहीं की। फिल्म खत्म होते ही स्क्रीन पर मरने के बाद महमूद अचानक उठते हैं और दर्शकों से बच्चों का ध्यान रखने की अपील करते हैं। अपने बच्चों को पोलियो से बचाओ और अगर उन्हें पोलियो हो गया है तो लंगड़ा लूला समझ के फेंक मत दो। तो दोस्तों, इस कहानी में आज इतना ही। इस फिल्म से जुड़े किस्सों पर किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश में सारे बराबर।